गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोगों की निशा मैम। आप लोगों के लिए 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज लेकर आई हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 to 80 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इसमें पूछा गया है डीसी मोटर की गति यानी स्पीड को हम लोग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे फॉर्मूला में देख रहे होंगे हमारा जो रिलेशन है वो किन के बीच में है, स्पीड है, बैक ईएमएफ है और फ्लक्स है। ठीक है, तो हम लोग जनरेटर के केस में ईएमएफ का फॉर्मूला देखे थे। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या देखा गया था, ईएमएफ इक्वल टू पी फाई जेड एन बाई 60 इंटू ए। ठीक है, ये था जनरेटर के केस में ईएमएफ का फॉर्मूला। और यही ईएमएफ में हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल बी लगाते हैं, इसका मतलब होता है बैक ईएमएफ। और जब ये बैक ईएमएफ बनता है तो वो कौन सा केस हो जाता है, मोटर का केस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैक ईएमएफ, यहाँ जो पी का पोल का वैल्यू रहता है वो फिक्स रहता है, जेड कंडक्टर का संख्या ये भी क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये करेंट का रास्ता पैरेलल पाथ ये भी फिक्स रहता है। तो हम लोग बच क्या गया, एक बच गया फाई, नेक्स्ट एन क्लियर है और 60 भी फिक्स है। तो हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन का जो फॉर्मूला है वो एन इक्वल टू हो जाएगा, हमारे ई बी को रहने देंगे अपनी जगह पे। ठीक है, ई बी को हमने क्या करेंगे, अपनी जगह पे रहने देंगे। और जो ये एन के साथ जो हमारा फ्लक्स है उसको हमने क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, एन इक्वल टू बैक ई एम एफ बाई फाइव। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीड इक्वल टू बैक एमए बाई फाइव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक चार पोल, यानी कि हमारा पोल कितना है, पोल का वैल्यू जो है वो पोल का वैल्यू फोर है, कितना है, पोल का वैल्यू जो है वो फोर है, यानी कि पी का वैल्यू कितना दिया गया है, पी इज इक्वल टू फोर। क्लियर है, नेक्स्ट है डीसी मोटर है, कौन सा मोटर है, डीसी मोटर है कि आर्मेचर में डुप्लेक्स वाइंडिंग, कितना कौन सा वाइंडिंग क्या है, डुप्लेक्स यानी कि डबल वाइंडिंग, डुप्लेक्स मतलब कि कितना वाइंडिंग है, डबल वाइंडिंग है। ठीक है, यानी कि डबल वाइंडिंग है, इसमें हम लोग जो भी होगा उसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग टू से। ठीक है, फिर है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में जो ए का वैल्यू होता है वो ए का वैल्यू जो होता है वो पी के बराबर होता है, यानी कि पोल का बराबर होता है। ठीक है, और हमारा पोल कितना दिया गया है, पोल का वैल्यू दिया गया है चार। क्लियर है, पोल का वैल्यू कितना दिया गया है, चार। तो यदि ए बराबर पी इक्वल टू फोर होता जब हमारा सिम्प्लेक्स वाइंडिंग रहता, लेकिन यहाँ पर डुप्लेक्स है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू से। क्लियर है, तो जब हम लोग फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर में डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा क्या है, आर्मेचर की घूमने की दिशा यानी कि रोटेशन का डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर है, डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा हो या चुंबक यानी फ्लक्स की दिशा हो या करंट की दिशा हो, डीसी मोटर में हमेशा हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, कौन से रूल का, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का। क्लियर है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डीसी मोटर का नाम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डीसी मोटर का, डीसी मोटर का नाम पूछा गया है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डीसी मोटर का नाम क्या है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, ये आर्मेचर है। ये क्या है? ये आर्मेचर है। ठीक है, इस आर्मेचर के पैरेलल में देखिए, यहाँ से एक तार लिया गया है और इसके दूसरे किनारे से एक तार लिया गया है। इसके बीच में फील्ड वाइंडिंग किया गया है। ठीक है, तो जब आर्मेचर के पैरेलल में यानी कि आर्मेचर के समानांतर में जब हम लोग वाइंडिंग करते हैं फील्ड वाइंडिंग, तो वो हम लोग का हो जाता है डीसी शंट मोटर। क्लियर है? वो क्या हो जाता है? डीसी शंट मोटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डीसी शंट मोटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं। क्लियर है? डीसी मोटर में क्या पूछा गया है? करंट का डायरेक्शन। तो पहले क्वेश्चन में हम बताए थे कि डीसी मोटर में करंट हो, फ्लक्स हो या फिर घूमने की दिशा, हम लोग हमेशा कौन से नियम का इस्तेमाल करेंगे? फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। क्लियर है? आर्मेचर द्वारा ली गई धारा, किसका धारा है? आर्मेचर का करंट पूछ रहा है, यानी कि आर्मेचर के करंट को हम लोग दिखाते हैं आई से। इसके सबस्क्रिप्ट में यदि हम लोग ए लगा देते हैं तो ये बन जाता है आर्मेचर का करंट। क्या बन जाता है? आर्मेचर का करंट। तो आर्मेचर करंट निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, आर्मेचर करंट को निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिएगा, मोटर के केस में क्या होता है कि जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं, सप्लाई वोल्टेज बराबर होता है उसका बैक ईएमएफ, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू बैक ईएमएफ प्लस आईए इनटू आरए। तो ये वी क्या है? वी हम लोग का है सप्लाई वोल्टेज, जो हम लोग उस मोटर को सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये बैक ईएमएफ क्या होता है? जब मोटर रन करता है तो उसके अंदर बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यानी कि पैदा होता है। ठीक है, और ये क्या है? आई ए आर्मेचर करंट और आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर में। क्लियर है? तो इससे इस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे आई ए का फॉर्मूला। तो वो क्या बन जाएगा? वी माइनस ई बी। ठीक है, वी माइनस ई बी, और क्या है? आर ए जो है वो आई ए के साथ है, तो यानी कि मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग किसका आ गया? ये फॉर्मूला आ गया आई ए का। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी बाई आर ए। क्लियर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये भी वही होगा कि मोटर के केस में हम लोग कौन से नियम का इस्तेमाल करेंगे? फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के प्रकार का नाम क्या है। डीसी मोटर का नाम बताना। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे दो वाइंडिंग है, ये आर्मेचर के पैरेलल में है, तो उसको हम लोग शंट फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग?
इसको हम लोग शंट फील्ड कहते हैं, ठीक है। और जो आर्मेचर के साथ सीरीज में है उसको सीरीज फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो जनरेटर के केस में मैंने बताया था कि जिस मोटर या जनरेटर में दोनों वाइंडिंग रहेगा, मतलब सीरीज वाइंडिंग भी रहेगा और शंट वाइंडिंग भी रहेगा, तो वो होगा कंपाउंड मोटर या जनरेटर, ठीक है। तो मोटर के केस में वो कंपाउंड मोटर होगा। तो कंपाउंड मोटर से रिलेटेड दो ऑप्शन है, क्लियर है। एक ऑप्शन नंबर सी है और एक ऑप्शन नंबर डी है। तो यदि आर्मेचर के पैरेलल में, आर्मेचर के पैरेलल में शंट रहेगा, ठीक है, तो वो शॉर्ट होगा, और वो शॉर्ट होगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यदि आर्मेचर और सीरीज, यहाँ पे आर्मेचर और सीरीज दोनों के वाइंडिंग, सॉरी दोनों के पैरेलल में यदि हमारा फील्ड वाइंडिंग रहता है शंट फील्ड, तो वो रहता है लॉन्ग शंट। लेकिन यहाँ क्या है, केवल आर्मेचर के पैरेलल में है, तो वो हो जाएगा शॉर्ट शंट, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में ईएमएफ की फॉर्मूला, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, यानी कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो जनरेटर में होता है ईएमएफ होता है, और मोटर के केस में बैक ईएमएफ होता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यदि आप लोग को याद होगा तो बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर देखिए, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, ईएमएफ का फॉर्मूला था पी फाई, ईएमएफ का जनरेटर के केस में क्या फॉर्मूला था, ईएमएफ इक्वल टू पी फाई जेड एन, ठीक है, बाय 60A। तो यहाँ देख लीजिए, केवल मोटर के केस में हम लोग क्या करेंगे, बैक ईएमएफ लगा देंगे, ठीक है, यहाँ बी लगा देंगे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इससे वही हो जाएगा सही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, इसमें से हम लोग का पी फाई, पी फाई देखिए, पी फाई कहाँ है, देखिए इसका पी फाई ऑप्शन नंबर सी, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उपकरण का नाम क्या है, यहाँ जो फिगर दिया हुआ है वो कौन सा उपकरण है, ठीक है। तो ये जो उपकरण है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्राउलर। इसका काम क्या है, इसका काम है आर्मेचर का ओपन सर्किट हो या शॉर्ट सर्किट हो, ये सब हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर का शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या ग्राउंडेड टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राउलर है, ये एक्सटर्नल ग्राउलर है। देखिए हम लोग फिगर में भी देखेंगे, देखिए फिगर में देखिए यह क्या क्या है, ये यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा हम लोग को, इस फिगर में देखिएगा, ठीक है। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन का सप्लाई देते हैं, लाइन से देते हैं इसको सप्लाई, यहाँ पे कौन सा 240 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं, ये हमारा लैमिनेटेड कोर है, ठीक है। लैमिनेटेड कोर तो हम लोग जानते ही हैं, एडी करंट लॉस को कम करते हैं हम लोग, और यहाँ क्या है, कॉइल को वाइंडिंग किया गया कोर पे, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या है, एक्सटर्नल ग्रॉलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सटर्नल ग्राउलर। और इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, तो आर्मेचर के ग्राउंडेड, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट टेस्ट को करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है, ठीक है। तो यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम होगा तो वो वाइंडिंग हम लोग कहलाता है शॉर्ट कॉर्डेड। चलिए हम लोग फिगर से समझ देखते हैं, ठीक है। देखिए इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, इस फिगर को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो है ये कॉइल है, क्या है, ये कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल स्पिन, ये क्या हो गया, कॉइल स्पिन, ठीक है, यानी कि कॉइल पिच। और यहाँ देखिए ये एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा गया है, इन दोनों के बीच की दूरी को कहा गया है पोल पिच, ठीक है, पोल पिच।
तो यहाँ क्या है, कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से कम है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग शॉर्ट कॉर्डेड कहेंगे। देखिए कहीं दिया हुआ है कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है। तो वो हो जाएगा शॉर्ट पिच कॉइल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। और यदि हम लोग का कॉइल पिच और पोल पिच बराबर रहता तो वो हो जाता फुल पिच वाइंडिंग, और यदि हमारा कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से ज़्यादा रहता तो वो हो जाता लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो जो प्रतिरोध यदि कहीं भी लगा हुआ है तो उसका काम है करंट को कंट्रोल करना, ठीक है। प्रतिरोध क्या करता है, करंट को कम करता है, ठीक है, या फिर कम या ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वो कंट्रोल करेगा किसको, करंट को, लिमिट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन में यदि आप लोगों को याद होगा तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डीसी सीरीज मोटर का, सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग निम्नलिखित ये तीन मेथड का उपयोग करते हैं, ए बी सी, तीनों मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग अलग अलग मेथड का, और ये जो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल है वो डीसी शंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हम लोग का सही होगा नहीं, बचा हम लोग का तीन ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें से हम लोग यूज़ करते हैं फील्ड डाइवर्टर मेथड। किस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फील्ड डाइवर्टर मेथड। देख लेते हैं फील्ड डाइवर्टर है क्या, हम लोग सर्किट डायग्राम से इसको समझते हैं, ठीक है। फील्ड डाइवर्टर मेथड, देखिए सर्किट डायग्राम यदि आप लोग देख रहे होंगे तो सर्किट डायग्राम में क्या दिखाया गया है, ये डीसी सीरीज मोटर है, जैसे कि बताए थे डीसी सीरीज मोटर की गति कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा डीसी सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। इसके पैरेलल में हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा, रजिस्टर लगाए, देखिए वेरिएबल, इसका एरो मतलब इसका वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों लगाया जाता है स्पीड कंट्रोल में, फील्ड डाइवर्टर क्यों लगाया जाता है, तो यहाँ देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो करंट जाएगा, ये हम लोग सप्लाई दिए हैं वोल्टेज, यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम चूज़ करेंगे। इसमें अलग अलग वैल्यू हम लोग रेजिस्टेंस का चूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का कम वैल्यू चूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा करंट जो है वो ज़्यादा इस रास्ते से पास करेगा, ठीक है, इस रास्ते से ज़्यादा करंट पास करेगा और इससे कम करंट पास करेगा, ठीक है। तो इसमें यदि फील्ड वाइंडिंग में करंट हम लोग का कम हो जाता है, करंट कम हो जाएगा तो फ्लक्स कम बनेगा, ठीक है। करंट और फ्लक्स समानुपाती होते हैं, क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वह समानुपाती होता है किसका, करंट का, ठीक है। तो यदि करंट हम लोग का कम हो जाएगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा, और हम लोग स्पीड के फॉर्मूला में देखे थे, स्पीड का फॉर्मूला क्या था मोटर के केस में, बैक ईएमएफ बाई फ्लक्स, बैक ईएमएफ बाई फ्लक्स। तो यदि फ्लक्स का वैल्यू कम हो जाता है तो ये स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि विलोमानुपाती है। यदि फ्लक्स कम हो जाता है तो स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यदि फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी विधि का हम लोग उपयोग करते हैं ट्रेन में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला, श्रृंखला मतलब सीरीज में, श्रृंखला मतलब
सीरीज में, ठीक है। और होल्डिंग कॉइल को हम लोग, होल्डिंग कॉइल को हम लोग जानते हैं एन वी सी कॉइल के नाम से, एन वी सी। एन वी सी का फुल फॉर्म तो हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे क्या होता है, नो वोल्ट, ठीक है, नो वोल्ट कॉइल। तो एन वी सी की सीरीज में हम लोग क्यों लगाते हैं, यदि इनकेस किसी कारण से शंट फील्ड का वाइंडिंग ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो हमारा उस परिस्थिति में हमारा मोटर सुरक्षित काम कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सीरीज में हम लोग, एन वी सी की सीरीज में हम लोग फील्ड वाइंडिंग को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मिश्रित मोटर। डीसी मिश्रित मोटर मतलब कंपाउंड मोटर में, कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो देखिए, जब मोटर के केस में क्या होता है, हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, डीसी सप्लाई, डीसी मोटर का जिक्र हो रहा है तो हम लोग डीसी सप्लाई देंगे। यदि हम लोग इसका डायरेक्शन पोलरिटी चेंज कर देते हैं, इसको नेगेटिव और इसको हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा कि उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो सिर्फ डायरेक्शन बदल देने से क्या होगा कि हमारा मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, यानी कि विशेषता रहेगा, जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मोटर में और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि सामान्य स्पीड से कम, ठीक है, कम के लिए हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, कम करने के लिए हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और सामान्य गति से अधिक गति नियंत्रण करने के लिए हम लोग फील्ड कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही क्या है, सामान्य से कम पूछा गया है, सामान्य से कम पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल। क्या है, देखिए यहाँ पे सामान्य गति से नीचे, यानी क्या हो जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल, ठीक है। यदि सामान्य गति से अधिक बोलता तो क्या हो जाता, फील्ड कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं आर्मेचर के करंट को कम करने के लिए। क्यों इस्तेमाल करते हैं, आर्मेचर के करंट को कम करने के लिए, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि वी का फॉर्मूला क्या होता है, मोटर के केस में V इज इक्वल टू बैक EMF, ठीक है, प्लस IA इंटू RA होता है, ठीक है। तो जब मोटर स्टार्ट होता है उस समय बैक EMF नहीं रहता है, बैक EMF क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इससे आर्मेचर करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हो जाएगा V बाई आरे, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, हाँ, तो इससे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आईए का फॉर्मूला हो जाएगा, आईए इज इक्वल टू वी बाई आरे। तो वोल्टेज हम लोग कितना देते हैं, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ये मान लीजिए हम लोग 240 लेते हैं, 240, ठीक है। और आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो उसका वैल्यू लेते हैं हम लोग 0.3, ठीक है। तो इसका डेसिमल हटाइए, यहाँ जीरो दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा, 800 एम्पियर, कितना आ रहा, 800 एम्पियर आर्मेचर को करंट जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो आर्मेचर का वाइंडिंग जल जाएगा, ठीक है। तो इसी आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टर लगाता है, और स्टार्टर में क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, वो इससे वैल्यू को, आर्मेचर करंट के वैल्यू को कम कर देता है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन। ठीक है, तो जो इंसुलेशन होता है यानी कि कुचालक होता है जिससे करंट पास नहीं करता, उसका भी बहुत सारे कैटेगरी है। ठीक है, तो हम लोग एक चार्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो चार्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ये चार्ट है जिसमें इंसुलेटर को इस नाम से वाई कैटेगरी ए ई बी एफ एच सी इसमें डिवाइड किया गया है। इन सारे का टेम्परेचर दिया गया है कि वाई कैटेगरी में इतना टेम्परेचर रहेगा और कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं यानी कि सामग्री आते हैं, ए कितना टेम्परेचर, ठीक है ये सामग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको संभव है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसका टेम्परेचर कितना रहता है और कौन से कैटेगरी में कौन सा पदार्थ आता है। क्लियर है, तो यहाँ पूछा गया था क्लास बी, तो हम लोग देखिएगा क्लास बी में, क्लास बी में क्या क्या नाम है, क्लास बी में देखिए क्या क्या है, माइका, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारे लोग ऑप्शन क्या हम लोगों का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइबर, फाइबर ग्लास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। तो वही चार्ट को आप याद कीजिएगा, तो उसमें हम देखेंगे क्लास एफ का जो होता है वो 155 डिग्री होता है। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतर गति यानी कि कांस्टेंट स्पीड के लिए हम लोग कौन से डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हम लोग याद रखेंगे कि डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी शंट मोटर। और डीसी शंट मोटर क्या होता है, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर के पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, जिसका तार पतला होता है एवं टर्न्स जाता होता है। तो ये संट वाला क्या करता है, ये आर्मेचर है और ये संट फील्ड है। ठीक है, ये मोटर क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ।